हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग लैब हेल्पीडिया पर। और फ्रेंड्स, आज के दिन निकल कर आ गए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके जेके बॉस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको जो एनसीईआरटी बुक्स हैं अपनी क्लास 11th और क्लास 12th के लिए यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। और उन्होंने मना भी किया कि किसी किसी सब्जेक्ट की कि आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक का यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, इसी सब के बारे में आज के दिन पूरे डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस सबको हम एक्सप्लेन करेंगे एक आर्टिकल की मदद से, जो हम अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, इस सबका जो बेसिक इशू निकल कर आता है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स का अपडेट होना। जो 2020 सेशन में बुक्स अपडेट की गई हैं आपकी एनसीईआरटी के द्वारा, और उससे हमारे जेके बॉस कहा जाए तो कुछ खफा नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने मना किया कि इन बुक्स को यूज ना किया जाए। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, आखिरकार क्या मेन डीप कारण है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अभी मोबाइल मोड पर शिफ्ट होते हैं और समझते हैं सबको। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल है हम उसे देख लेते हैं। अभी ये हमने पूरा तैयार करके रखा हुआ है आपका, ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर की भी हेल्प लिए हमने आपको बताते चलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो मेंशन क्या किया है एक बार पढ़ते हैं पूरा, ठीक है, और साथ साथ में समझते भी जाएंगे, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो। यहाँ पर क्या दिया है, एस द एनसीईआरटी हैज रिवाइज्ड अ चैप्टर इन द क्लास 12th टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू ड्रॉप अ पैराग्राफ ऑन सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स इन जे एंड के। द अथॉरिटीज इन जे के बॉस आर इंडिसिसिव अबाउट द अडॉप्शन ऑफ द पैटर्न फॉर द स्टूडेंट्स इन जे एंड के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन किया गया कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस अपडेट किया है आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का, और वहाँ पर उन्होंने एक पैराग्राफ रहता है आपका सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि आपका अलगाववाद राजनीति, आपका क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का पैराग्राफ रहता है उसे हटा दिया। और फ्रेंड्स, जेके बॉस इससे कुछ खफा नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ अभी अडॉप्ट नहीं किया। ये आगे भी पढ़ लेते हैं, सब समझ आएगा। द एनसीईआरटी हैज रिमूव्ड द टॉपिक टाइटल्ड सेपरेटिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव इंस्टेड इंक्लूडेड अ टॉपिक ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द टेक्स्ट बुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये लाइन जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि आपका जो सेपरेटिज्म अलगाववाद का जो विषय हटाया गया है, अलगाववाद का टॉपिक हटाकर उन्होंने एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पर अपना जो है एक टॉपिक डाल दिया। तो फ्रेंड्स, यही मेन जो कारण निकल कर आते कि आर्टिकल 370 पर जो टॉपिक डाले उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कुछ पैराग्राफ्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कारण तो ये आ रहा है कि आर्टिकल 370 का टॉपिक डाले सेपरेटिज्म का टॉपिक हटाकर, ठीक है। और उसके बाद जो जेके बॉस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं एक बार। ये रही आपकी जो जेके बॉस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो, तो यहाँ पर मेंशन किया है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू अडॉप्ट द कंटेंट इन टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स इन जे एंड के। वी हैव अ मैंडेट टू ऐड और रिमूव 15-20% ऑफ द कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड यूज कंटेंट विद लोकल रेफरेंस। तो यहाँ पर जेके बॉस के ऑफिशियल ने क्या कहा है कि हमारे पास ये पावर है कि हम जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें से 15-20% सिलेबस को हटाकर अपना जो लोकल जो उनका लोकल रेफरेंस के हिसाब से बुक्स को तैयार करें, ठीक है। बुक्स कोई कंपल्शन नहीं है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे भी देखते हैं आगे की जो कंट्रोवर्शियल, फ्रेंड्स आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ठीक है, तो देखते रहिए। तो अभी हम फोर्थ पैराग्राफ पर पहुंचे हैं, ठीक है। ही सेड जेके बॉस हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अ चैप्टर ऑन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन क्लास 10th टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स वेर इन द स्टूडेंट्स आल्सो रीड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन एकेडमिक सेशन 2019। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ऐसे कोई डार्कनेस में रखना चाहते हैं, ऐसे अंधकार में रखना चाहते हैं कि हम उन्हें पढ़ाए नहीं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने क्लास 10th में ही जो सिविक्स का आपकी बुक रहती है उसमें जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल एक्ट के नाम से उन्होंने एक चैप्टर एक पैराग्राफ इंक्लूड किया हुआ, ठीक है, चैप्टर इंक्लूड किया। तो उन्होंने कहा कि 12th में हमारे लिए कोई ये कंपल्शन नहीं है कि हम ऐसा कुछ ऐड ऑन करें,
ये कहा कि सो वी नीड नॉट इंट्रोड्यूस द सेम टॉपिक इन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आगे क्या है, द एनसीईआरटी हैज रिवाइज द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया। एनसीईआरटी ने जो आपका एक चैप्टर रहता है ना 12th में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, वहाँ पर यह सब जो है रिवाइज किया है, और वहाँ पर एक अलगाववाद और उसके आगे का जो एक सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड होता है इस चैप्टर को हटा दिया हुआ है, ठीक है, इस मतलब कंटेंट को हटा दिया और क्या डाल दिया, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 डाल दिया हुआ है, ठीक है। जो रीजनल एस्पिरेशंस वाला, जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में एक रीजनल एस्पिरेशन, मतलब जो आपका इलाके के जो इलाकावाद कह सकते हो आपकी रीजनल एस्पिरेशन के हिसाब से ये जो हटा दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर डाल दिया रीजनल एस्पिरेशन में क्या आपका आर्टिकल 370 का जो टॉपिक है, पहले सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड का रहता था कि कैसे J&K का अलगाववाद वगैरह से रिलेटेड। और यहाँ पर आगे क्या है कि आगे है कि आपका आर्टिकल 370 का जो ये सब आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहती है, ये है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये जो आपकी कॉमर्स में ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बाकी थोड़ा वो है। वी विल सी वट इज रिटन इन चैप्टर इफ इट पर्टेन्स टू अ लोकल डिमांड, देन वी विल थिंक अबाउट इट, बट इट शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल एज वेल। एनसीईआरटी हैज गिवन जेके बोस अ राइट टू गो फॉर कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन टेक्स्ट बुक। समझ आ गया होगा आपको कि उन्होंने कहा है कि लोकल डिमांड के हिसाब से हम बुक्स को देख लेंगे कि क्या नीड है बुक्स के ये सब करने के काम या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद है विना पंडिता जी की बात है कि वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और ये हमारे जेके बोस की चेयरमैन जो आपकी वीना पंडिता जी हैं उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे, बट विल टेक अ डिसीजन आफ्टर होल्डिंग प्रॉपर डेलिब्रेशन ऑन इट। पूरी तरह से प्रॉपर बातचीत के बाद, प्रॉपर पूरी मीटिंग्स के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए, कोई ऐसे हवाबाजी करके नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, वी विल डू इट इन डिफरेंट वे, द इशू विल बी टेकन अप इन द अकेडमिक कमेटी। अकेडमिक कमेटी में फ्रेंड्स इस इशू को लेकर जाएंगे, अकेडमिक कमेटी मान जाए तो बैठेगी सबको लेकर, और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी आपको इशू नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमारे लिए तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या बुक हुई है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर है कि द डिलीटेड, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं कि क्या क्या बताया गया, ठीक है, रिवाइज पोर्शन एक बार आप देख लीजिए ये वाला। J&K has a special status under Article 370 of the Indian Constitution, but the region witnessed violence, gross border terrorism, and political instability with internal and external ramifications. The article resulted in the loss of many lives, including that of innocent civilian, security personnel, and militant. Besides, there was also a large-scale displacement of. Article 370 is सबका मूल कारण है, ठीक है? तो यहाँ से उसी टाइप की स्टेटमेंट है, तो मे भी पसंद ना ही हो हमारे जेके बॉस को, ठीक है, उन्हें लगा हो कि जेके बॉस को ये सूट नहीं करेगी, J&K के स्टूडेंट्स को सूट नहीं करेगी, कंट्रोवर्शियल है। तो मेन लाइन तो यही है कि इसी के कारण जो है उन्होंने मना कर दिया हुआ है सब के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब है आपकी जो यहाँ पर जो मेन बात निकल कर आती है वो अभी बातचीत कर ये सब लेते तो हो हैं। गया, जो भी अभी तक ऑफिशियल जो अपडेट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वगैरह क्या कारण है, पर फ्रेंड्स इस सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट निकल कर आता है वो ये है कि जेके बोस ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि आपको अगर आप जेके बोस के स्टूडेंट हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करने की, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बहाने से पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करने की कोई इंपॉर्टेंस जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेके बोस ने डायरेक्टली कहा है कि उनका एग्जाम पैटर्न इस टाइप का है कि वो एनसीईआरटी को फॉलो ना करें स्टूडेंट्स, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जेके बोस के द्वारा कोई आपकी पेट बुक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतने था आज की हमारी इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और फ्रेंड्स आपके लिए हमने काफी इंपॉर्टेंट एक PM-EEE स्कॉलरशिप स्कीम होती है जो कि जब आप 12th पास आउट होगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी आपकी 12th की स्टडीज के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स एंड इट।